हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्क नीटिंग। देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही इजी डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जस्ट एट्रेस का डिज़ाइन है। इन्हें एट्रेस आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर पर डाल सकते हो, लेडीज स्वेटर पर डाल सकते हो, कार्डियन पर डाल सकते हो, बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको टू का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस वन करना है, मल्टीपल ऑफ टू प्लस वन। दो फंदों को डिजाइन है, आपको दो फंदा दो फंदा दो फंदा करते जाना है, लास्ट में आपको प्लस वन करनी है। इसमें मैंने टू का मल्टीपल करके 16 प्लस वन कर लिया है, टोटल 17 फंदा डाला है। यहाँ फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए, स्टिच धागा आगे करनी है। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए, एक फंदा आपको बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेना है इस तरह से, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है। अब इस धागे को आपको लूज रखनी है, इस तरह से लूज रखनी है। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए, अब इन दो फंदों को आपको बार बार रिपीट करनी है एडजस्टेड को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। आपको बिना बुने एक फंदा स्लिप कर लेना है, धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर सीधा एक फंदा सीधा बुनेंगे। इन्हीं दो फंदा आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे आपके इन्हीं दो फंदा। धागा आगे करनी है इस तरह से, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है इस तरह से, फिर धागे को इस तरह से लूज पीछे लाना है, लूज रखनी है आपको इस धागे को, फिर एक फंदा सीधा। दो डिजाइन खत्म हुए। फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट कर लेना है। फिर धागा आगे करनी है, एक फंदा स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे करनी है, अब एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा ऐसे स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है। अब आपको इस धागे को भी लूज रखनी है, फिर एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे करनी है, एक फंदा स्लिप कर लेना है, फिर धागे इस तरह से पीछे लाना है, लास्ट में आपको एक फंदा सीधा। सेकेंड रो एक फंदा से स्लिप करिए स्टिच, अब धागा पीछे करनी है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हमने स्लिप किए थे फर्स्ट रो में, इस फंदे का आप यहाँ इस रो में आपको सीधा बुनेंगे। देखिए, स्लिप वाला फंदा आपको सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करनी है, एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं फंदों को, इन्हीं दो फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। आपको इन्हीं दो फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट कर लेना है। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट में आपको एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का फंदा उल्टा। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच, धागा आगे करनी है। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये उल्टा फंदा आपको उल्टा बुनना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा सीधा। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे एडजस्टेड को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इन्हीं दो फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से आपको एक फंदा उल्टा, धागा आगे करनी है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से आपको एरो कंप्लीट कर लेना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा करके। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे।
देखिए ये सीधा फंदा दिख रहा है, इस सीधा फंदा का आगे आपको जो लूज वाला धागा दिखेगा, जो हमने लूज रखा था ये धागे, अब इस धागे को इस तरह से उठाएंगे और फिर लेप नीडल में इस तरह से चढ़ाएंगे। अब देखिए इस दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इन्हें दो फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। देखिए एजिस्टर को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको इन्हें दो फंदा बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये सीधा फंदा का आगे आपको जो लूज फंदा, इस लूज फंदा दिखेगा, इस लूज फंदों का आपको उठाना है लेप नीडल पे, इस तरह से उठाना है। अब देखिए इस दो फंदों को आपको एक फंदा बना देंगे। अब फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो डिजाइन खत्म हुए। फिर से आपको इस सीधा फंदा का आगे ये लूज वाला धागा दिखेगा, इस धागे को आपको इस तरह से उठाना है, फिर लेप नीडल में चढ़ाएंगे इस तरह से। अब दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से आपको इस सीधा फंदा का आगे आपको ये लूज वाला धागा दिखेगा, इस धागे को आपको इस तरह से लेप नीडल में चढ़ाएंगे। अब इस दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से सीधा फंदों का आगे आपको ये लूज वाला धागा इस तरह से लेप नीडल में चलाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से ये लूज वाला धागा इस तरह से चढ़ाएंगे, इस तरह से उठाएंगे इस लूज वाला धागा, फिर लेप नीडल में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से ये लूज वाला धागा आपको इस तरह से उठाना है, इस तरह से, फिर दो फंदों का एक फंदा बना लें, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए लास्ट में आपको ये लूज वाला धागा इस तरह से उठाएंगे और लेप नीडल में चढ़ाएंगे, इस धागे को इस तरह से चढ़ाएंगे लेप नीडल में, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। रो वन में हमने एज स्टिच बुनने के बाद आपको पैटर्न स्टार्ट किए थे, अब की बार आपको एक फंदा और एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ से आओ रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए धागा आगे करनी है, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको, धागा आगे करनी है, एक फंदा आपको बिना बुने से स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, इस धागे को आपको लूज रखनी है, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे। अब इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे, एक दो, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं दो फंदों को, धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, लूज रखनी है थोड़ा सा आपको, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने से स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने से स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करनी है, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर एक फंदा सीधा। देखिए लास्ट का एज स्टिच सीधा। सिक्स रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब एक फंदा उल्टा, ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमने स्लिप किए थे उस फंदे को अब यहाँ सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करनी है, ये स्लिप किया फंदा आपको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करनी है, एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं दो फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, एक दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करनी है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इन्हीं दो फंदा आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से इन्हीं फंदे को रिपीट करेंगे, धागा पीछे करनी है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्लिप वाला फंदा आपको सीधा बुनना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा,
लास्ट में आपको एज स्टिच भी उल्टा। सेवेंथ रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। धागा आगे करनी है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये रिपीट करनी है आपको बार बार, ये दो फंदों को छोड़कर एक दो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। इन्हीं दो फंदा आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट कर लेना है। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा आगे, फिर से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एज स्टिच भी सीधा। एट रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये दो फंदों को बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए जो ये सीधा फंदा दिख रहा है, इस फंदे को आगे आपको ये लूज धागा दिखेगा, इस लूज धागा दिखेगा आपको, जो हमने लूज रखा था इस धागे को। इस धागे को इस तरह से उठाएंगे और लेप नीडल में चढ़ाएंगे इस तरह से, और फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। ये दो फंदों को छोड़कर एक दो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। इन्हीं दो फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये सीधा फंदा के आगे आपको इस लूज धागे को इस तरह से उठाएंगे, फिर लेप नीडल में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। फिर से ये दो फंदों को इस लूज धागे को इस तरह से लेप नीडल में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से आपको इस सीधा फंदा का आगे इस लूज धागे को इस तरह से उठाएंगे ऐसे, और दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। फिर से आपको इस लूज धागे को इस तरह से ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरह से चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। फिर से आपको इस तरह से उठाएंगे और लेप नीडल में चढ़ाएंगे और दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से लूज धागे को इस तरह से उठाएंगे इस तरह से, फिर लेप नीडल में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, ये उल्टा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा लास्ट में। देखिए फ्रेंड ये डिजाइन जस्ट एट रोज का डिजाइन है, वो एट रोज आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करनी है, देन रिपीट करते जाना है 1 to 8 रोज। इतना सा आपको एट रो में बनेगा। आपको इन्हीं एट रोज बार बार रिपीट करने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। देखिए बहुत ही छोटी छोटी डिजाइन के बुनाई है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है डिजाइन। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।